हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ सरहुल और फेस्टिवल ऑफ नेचर। तो इस पार्ट के पिछले वीडियो में जब मैं सेक्शन भी बता रही थी हु सेड टू हूम, तो इसमें ये 4 नंबर और 5 नंबर छूट गया था, जिसे मैं आज फिर से बता दे रही हूँ। हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा। द हेड पाहन होल्ड्स फास्टिंग, तो द हेड पाहन होल्ड्स फास्टिंग, इसने इसका आंसर होगा सचिन सेड टू वरुण। और लास्ट है आई विश टू सी द फेस्टिवल, इसे कहा था वरुण सेड टू सचिन, यानी वरुण ने सचिन से कहा था। तो ये वाला हो गया सेक्शन बी, सेक्शन सी ये तो मैंने करा ही दिया था उस दिन, यहाँ तक आपको बता दिया था। अब आपको ये छोटा हुआ था, आपको याद होगा थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट ये छूटा हुआ था, आज हम लोग वो करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जो हैं वो आप देखिए, मैं पढ़ती हूँ, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्रिसमस एक त्यौहार है, क्रिश्चियंस लोगों का क्रिसमस, ईसाई धर्म का एक पर्व है क्रिसमस, जिसे आप लोग बड़ा दिन भी कहते हो, हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, इसकी छुट्टी भी होती है हमारे यहाँ, तो इसी के बारे में है। विथ द हेल्प ऑफ क्ल्यूज राइट अ पैराग्राफ ऑन क्रिसमस या एक्समस, तो क्रिसमस या एक्समस ये त्यौहार का नाम है जो क्रिश्चियंस लोगों के होते हैं। इसके बारे में कुछ क्ल्यूज दिए हुए हैं आपको, यानी कुछ इससे रिलेटेड शब्द दिए हुए हैं, और इन शब्दों को के आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखने कहा जा रहा है क्रिसमस के बारे में। तो ठीक है, मैंने यहाँ क्रिसमस के बारे में आपको लिखा है इन्हीं ब्लू बॉक्स के वर्ड्स के सहारे, तो आप भी इसे उतारोगे। मैं पढ़ती जा रही हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, दे ऑफर्स प्रेयर्स इन द चर्च फुल स्टॉप। आप देखिएगा यहाँ एक सेंटेंस खत्म है फुल स्टॉप, फिर यहाँ भी फुल स्टॉप। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December फुल स्टॉप। पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री फुल स्टॉप। दे मेक केक्स एंड ईट स्वीट्स फुल स्टॉप। सांता क्लॉज डिस्ट्रीब्यूट्स गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन फुल स्टॉप यहाँ पे है। पीपल विश ईच अदर अ मेरी क्रिसमस, बस फुल स्टॉप। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ इन वर्ड्स के आधार पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चलती हूँ, इस पे आइए, अब बुक में आइए। बुक में आपको याद है अब है थिंक एंड राइट के बाद रीड एंड टॉक, पढ़ो और बातचीत करो। यहाँ पे लिखा है कर्मा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का एक और, हम लोग सरहुल पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, लेकिन झारखंड के और भी कई पर्व हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण है कर्मा, आपने देखा होगा सुना होगा, इसे मनाया भी होगा। तो कह रहा है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कीजिए अबाउट हाउ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, कि ये फेस्टिवल यानी कर्मा कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करो। नाउ टेल इट टू योर क्लास, उसके बाद आप इसे अपने क्लास में बताइए या सुनाइए। तो ये तो आपको करना है कर्मा के बारे में, जैसे यहाँ सरहुल के बारे में हमने पढ़ा, और ये तो मैंने करवा ही दिया था उसी वीडियो में। अब हम लोग इस पेज में आते हैं, पेज नंबर 111। यहाँ लिखा है लिसन एंड राइट, यहाँ पे जो भी बात है उसको सुनिए, टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए और राइट और फिर लिखिए। तो देखिए एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, और पिक्चर देख के ही आप समझ सकते हो कि ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक पहचाना आपने, ये सरहुल से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सरहुल का प्रोसेशन जा रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर टू योर फ्रेंड्स, इस पिक्चर को दिखाकर इससे संबंधित प्रश्न आप अपने दोस्तों से पूछिए। दे विल आंसर देम, फिर वे लोग इसका उत्तर देंगे, मैंने आपके फ्रेंड। आफ्टर दैट, इसके बाद दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, इसके बाद क्या होगा कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी आपके मित्र आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में, और आप उसके उत्तर यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो यानी कि आपके फ्रेंड्स इस पिक्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब देना है। जैसे कि
चैप्टर में हमने देखा था सचिन और वरुण, हमने देखा था ना सचिन और वरुण ये दोनों भाई आपस में कैसे बातचीत करते हैं। तो वरुण फिर दो डॉट और उसने जो कहा या जो प्रश्न पूछा, सचिन उसका उत्तर दे रहा था। इस पूरे पाठ में हमने यही देखा है कि वरुण ने क्वेश्चन किया, सचिन ने उसका आंसर लिखा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी एक दो लोगों के बीच जिसमें आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेंगे और आप जवाब दोगे इस चित्र से रिलेटेड। तो देखिए हम लोग वैसे ही हमने लिखा है, आप भी इसे पढ़िए समझिए और उतारिए। फ्रेंड्स माने दोस्त जो है उसके मित्र हैं, मेरे मित्र, मेरे मित्रों ने मुझसे क्या क्वेश्चन किया इसे देख के। तो ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स दो डॉट, वेयर इज़ द प्रोसेशन गोइंग, ये जुलूस कहाँ जा रही है। तो मी मतलब मैं, अपने बारे में मैं उसका जवाब दूंगी। मी यहाँ लिखेंगे मी दो डॉट, द प्रोसेशन इज़ गोइंग टू सरना स्थल टू वर्शिप द साल ट्री। तो मेरा उत्तर क्या है इसका कि ये जुलूस जा रही है सरना स्थल वहाँ पूजा करने। किसकी पूजा? साल ट्री की। तो ये उत्तर मैंने दे दिया। फिर फ्रेंड्स ने अगला सवाल किया मुझसे, विच फेस्टिवल आर दे सेलिब्रेटिंग, ये लोग कौन सा फेस्टिवल या त्यौहार मना रहे हैं। तो मैंने उत्तर दिया मी एम ई मी मी मैंने 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 उत्तर दिया दे आर सेलिब्रेटिंग सरहुल फुल स्टॉप, मतलब ये लोग सरहुल मना रहे हैं। बस इस तरह इतने जितना स्पेस दिया हुआ इसमें ये दो क्वेश्चन दो आंसर्स अटे इतना ही लिखना है। ये भी हो गया। अब मैं एक छोटा सा और नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं बच्चों इसमें और अभी हमको मुझे एक पेज और करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो बनाती हूँ। तब तक आप इसे बनाओ, प्रैक्टिस करो, कॉपी पे लिखो। ये आपका लास्ट, एक बात और मैं बता दूँ, आपके सिलेबस के अनुसार ये लास्ट लेसन है, इसके बाद आपको कोई भी लेसन नहीं पढ़ना है। तब तक जितने भी लेसन्स मैंने पढ़ाए अब आप उसका शुरू से रिविज़न कर सकते हो। तो बस एक छोटा वीडियो और बनाती हूँ, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा।